हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं भारत के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्कूल्स, जहां पर सिर्फ अमीरों के लोंडे पढ़ सकते हैं, गरीब लोग बंदा सोच भी नहीं सकता। जाहिर बात है, हर कंट्री में ऐसे हर स्कूल्स होते कंट्री में हैं होता है जो इलीट क्लास लोग पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं यार, कितनी फीस है इन स्कूल्स की, क्या सीन है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या चीज आज पता लगेगा। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्कूल तो हर कोई जाता है, लेकिन आपके और हमारे स्कूल्स में यादें तो बहुत रही होंगी, लेकिन फैसिलिटीज काफी एवरेज ही थी। जी हाँ, लेकिन जो भारत के अमीर लोग हैं, फिर चाहे वो बिजनेस से जुड़े हों या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, अगर उनके बच्चे किन स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है? आज ऐसे कुछ स्कूलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जहाँ भारत के टॉप 1% में आने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वसंत वैली स्कूल, दोस्तों दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का वसंत वैली स्कूल भारत के टॉप स्कूल्स में से एक है। जी हाँ, जिसे 1990 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। 2012 में इसका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आ भी चुका है। इस स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की फीस 1.6 लाख रुपए से भी ज्यादा की है, जिस वजह से बहुत ही लिमिटेड लोग अपने बच्चे को दाखिला यहाँ पर करवाते हैं। इस स्कूल में 12वीं करने के बाद ज्यादातर बच्चे US या फिर UK जैसे देशों में आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। 2018 में इस स्कूल से पास आउट होने वाले 90 में से 32 बच्चों ने भारत में ही रहने का सोचा, वरना बाकी सभी विदेश चले गए थे। ये नंबर हर साल बढ़ता या घटता रहता है। जैसे कि 2017 में 93 में से 41 बच्चों ने भारत में ही रहने का फैसला किया था, और 2016 में 93 में से सिर्फ 32 बच्चे भारत में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहे थे। अगर इस स्कूल के कुछ फेमस स्टूडेंट्स की बात करें, तो IPL के फाउंडर ललित मोदी की भतीजी जयति मोदी यहाँ पढ़ती है। इसके अलावा पंजाब के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल के 3 बच्चे रिया, हरकीरत और अर्जुन भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई के 2 बच्चे और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह की 2 बेटियां भी इस स्कूल में पढ़ी हैं। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, दोस्तों इस स्कूल की शुरुआत 2003 में नीता अंबानी ने की थी, और मुंबई में स्थित इस स्कूल में लगभग हर बड़ी सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ चुके हैं। इस स्कूल में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी पढ़ी है और बेटा अब्राहम भी पढ़ रहा है। इसके अलावा ऋतिक रोशन के बच्चे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या, सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम, श्रीदेवी और बोनी कपूर की 2 बेटियां और करिश्मा कपूर का बेटा भी यहां पर पढ़ चुका है। बांद्रा में बने इस स्कूल में करीब 7 फ्लोर्स हैं, और अगर इसमें एडेड लग्जरीज की बात करें, तो इसमें कुछ एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल फील्ड हैं, 2 डाइनिंग हॉल्स हैं और सोलर पावर्ड वाटर हीटर्स भी मौजूद हैं। इस स्कूल की फीस LKG से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1.7 लाख रुपए है, 8वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1.85 लाख है, और उसके बाद की क्लासेस के लिए फीस करीब 4.48 लाख रुपए है। इसके अलावा एडमिशन के वक्त स्कूल में 24 लाख रुपए भी डिपॉजिट करने पड़ते हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल भी मुंबई में है दोस्तों, जिसे यूनाइटेड ग्रुप ने शुरू किया था, जो कि FMCG, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और टेक्सटाइल जैसे बिजनेसेस में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी एक आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। 1ली से 6ठी क्लास के बच्चों के लिए इसकी फीस 3.5 लाख है, जबकि 7वीं से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए फीस बढ़कर 5.5 लाख हो जाती है। इसके बाद ये लोग 6.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस स्कूल की वेबसाइट पर ये भी मेंशन है कि इस स्कूल के बच्चे हायर स्टडीज के लिए पास आउट होने के बाद प्रिंसटन, ब्राउन, कॉर्नल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया, येल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड किंग्स कॉलेज लंदन जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर इन बच्चों की बात करें जो भारत में रहना पसंद करते हैं, तो वो भी IIT या फिर IIM में जाने की बजाय अशोका या MIT जैसी यूनिवर्सिटीज ही प्रेफर करते हैं। UWC महिंद्रा कॉलेज, दोस्तों पुणे में स्थित ये कॉलेज एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल है, जो कि इंटरनेशनल बैकलोरेट सर्कुलम को फॉलो करता है, और इसे 1997 में महिंद्रा ग्रुप के फाउंडिंग फादर हरीश महिंद्रा ने शुरू किया था। इनकी वेबसाइट में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है जहाँ इनके स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। 2011 से 2014 के बीच यहाँ के बच्चे स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और मैकगिल जैसी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। UWC महिंद्रा में दोस्तों वैसे तो दुनिया भर से बच्चे आकर पढ़ते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो 2017 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इनकी फीस 19 लाख रुपए सालाना थी। ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल,
जुलाई 2008 में शुरू हुआ ये स्कूल मुंबई के गोरेगांव में है, जिसे ओबेरॉय फाउंडेशन की ट्रस्टी और डायरेक्टर बिंदु ओबेरॉय ने शुरू किया था। इसके बाद 2017 से 18 के ईयर में इन्होंने अपना एक दूसरा कैंपस भी शुरू कर दिया, जिसमें नर्सरी से चौथी क्लास के बच्चों के लिए जोगेश्वरी विक्रोली लिंकिंग रोड पर बना गया था। इस स्कूल की प्री प्राइमरी क्लास की फीस 5 लाख रुपए सालाना है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं क्लास की बात करें तो ये फीस बढ़कर 8.3 लाख रुपए हो जाती है। 2018 में यहाँ से पास हुए 246% बच्चे हायर एजुकेशन के लिए यूएस चले गए थे और 12% ने यूके का रुख किया था। सिर्फ 19% बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। माधुरी दीक्षित के बेटे अरिन और रयान भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इकॉल मोंडाइल वर्ल्ड स्कूल। दोस्तों, मुंबई के जुहू में स्थित ये स्कूल 2004 में शुरू किया गया था और भारत के कुछ पहले स्कूल्स में से एक था जो कि इंटरनेशनल बैकलोरेट सर्कुलम ऑफर करते थे। इस स्कूल को गोयनका और सारदा बिजनेस फैमिलीज द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ पर काजोल और अजय देवगन की बेटी नीसा भी पढ़ती थी। इसके अलावा अक्षय कुमार का बेटा आरव भी इस स्कूल में पढ़ चुका है। इस स्कूल में एक इंडियन स्टूडेंट के लिए 9वीं से 12वीं क्लास की फीस 10.9 लाख रुपए सालाना है और अगर फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो 21 लाख रुपए देने पड़ते हैं। स्कूल की फैसिलिटीज की बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 गेम्स रूम्स, 1 वेल इक्विप्ड जिम्नेशियम, 5 स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस लेबोरेटरीज, 2 लाइब्रेरीज, 1 ऑडियो विजुअल रूम, 2 म्यूजिकल रूम्स, 3 कंप्यूटर सेंटर्स, 2 ड्रामा एंड डांस स्टूडियोज, 3 आर्ट एंड डिजाइन स्टूडियोज, 1 डिजाइन टेक्नोलॉजी स्टूडियो, 1 मेडिकल रूम, 2 कैंटीन्स और 1 चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। इसके साथ साथ इसमें 2 बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड और 25 मीटर लंबा 8 लेन स्विमिंग पूल भी शामिल है। टून स्कूल। दोस्तों, टून स्कूल भारत का सबसे पुराने स्कूलों में से एक है और इसे 1935 में शुरू किया गया था। ये एक ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल है जो एलाइट स्कूल का पोस्टर बॉय माना जाता है। यहाँ पर अगर स्कूल फीस की बात करें तो करीब 10.25 लाख रुपए सालाना है। इसके अलावा जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं वो भी 25,000 के करीब हैं। अगर इस स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी, माधव राव सिंधिया, मणिशंकर अय्यर, कमलनाथ, राहुल गांधी और हीरो ग्रुप के सुनील मुंजाल भी पढ़ चुके हैं। सिंधिया स्कूल। सिंधिया स्कूल भी टून स्कूल की तरह बहुत पुराना स्कूल है दोस्तों, जो की फोर्ट ऑफ ग्वालियर के अंदर ही बनाया गया है। जब इस स्कूल की शुरुआत हुई थी तब इसमें सिर्फ राजाओं और रजवाड़ों के बच्चे ही पढ़ सकते थे, लेकिन आज के समय में स्कूल सभी के लिए ओपन है। इस स्कूल की सालाना फीस करीब 7.5 लाख रुपए है और इसके अलावा क्लोथिंग, मेडिकल अटेंशन, ट्रिप्स, स्कूल कैटरिंग, बुक्स एंड स्टेशनरी जैसी चीजों के लिए पेरेंट्स को 1 लाख रुपए अलग से भी खर्च करने पड़ते हैं। अगर स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी प्रदीप एस मेहता, नेशनली अक्लेम्ड साउंड डिजाइनर और रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रहे सामी खान भी शामिल है। मेयो कॉलेज। दोस्तों, मेयो कॉलेज की शुरुआत 1875 में रिचार्ड बॉर्क द्वारा की गई थी, जो कि 6th Earl of Mayo थे और साथ ही 1869 से 1872 के बीच ब्रिटिश इंडिया के वाइस रॉय भी रहे थे। आज इस स्कूल में हर बच्चों के लिए एक टीचर की रेशियो है और इसमें करीब 20 अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ साथ 18 अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज भी ऑफर की जाती है। इस स्कूल में इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस करीब 8 लाख रुपए सालाना है, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस 16 लाख रुपए है। अगर इस स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको सेक्रेट गेम्स के राइटर विक्रम चंद्रा, 2008 की कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज विनर इंद्र सिन्हा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फॉर्मर चीफ जस्टिस महाराज नागेंद्र सिंह और अक्लेम्ड मैथमेटिशियन एकनाथ घाटे जैसे नाम मिल जाएंगे। विल्हेम स्कूल। दोस्तों, 2022 में विल्हेम बॉयज स्कूल को दुनिया की नंबर 1 बॉयज बोर्डिंग स्कूल रैंक दिया गया था और विल्हेम गर्ल्स स्कूल भी इस तरह ही एक काफी रेपुटेड स्कूल माना जाता है। इस स्कूल में हर्सिला सेजी ऑलिफेंट नाम की एक इंग्लिश लेडी ने सिर्फ 1,000 पाउंड के साथ शुरू किया था, लेकिन आज भी दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है। फीस की बात करें तो बॉयज स्कूल की फीस करीब 5 लाख रुपए सालाना है और गर्ल्स स्कूल की फीस करीब 6.5 लाख है। इस स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आपको संजय गांधी, सैफ अली खान के पिता और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मंसूर अली खान पटौरी जैसे नाम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 इलाइट स्कूल्स, लेकिन भारत के टॉप 10 इलाइट एक्सपेंसिव इलाइट स्कूल्स थे जहां पर भाई गरीब बंदा तो हमने भी प्राइवेट में पढ़ा है भाई। सच्ची बात बोलूं कि यार 1,000 रुपए मंथली फीस होती थी, 1,000 रुपए सालाना 12,000 रुपए भाई, ये हमने पे किया है। मतलब इतने जो है ना बड़े, हाँ इधर है बीकन हाउस, ब्लूमफील्ड हाउस, बड़े है बहुत ज्यादा, मंथली ज्यादा भी है, मंथली 20-25 ज्यादा, हाँ बहुत भी है, इससे ज्यादा नहीं है, भारत में लेकिन अलग है। बीच में जो सालाना थे उसका सालाना साथ बोल रहे, मंथली 1.5 लाख रुपए भी, मंथली 1.5-2 लाख, 3.5-3 लाख भी है।
भाई मतलब इतने में फिर तो एजुकेशन भाई, भी इस लेवल की इतने होगी में तो तेरे, अब पाकिस्तान देखो में 2 साल एक बंदा मस्त रह सकता है 3.5 लाख में आराम से जिंदगी गुजार सकता है ना। 2 साल इजली उसके निकल जाएंगे। क्यों पाकिस्तान इंडियन 10 करोड़ रुपए बनते हैं, 10 करोड़ 10 लाख सॉरी 10 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते हैं। तो बस से 2 साल कोई आपने किसी में पढ़ा हो तो वो बताना भाई। हम लोग तो यही समझो कि ऐसे स्कूल में पढ़ा के साल के 12,000 रुपए आपको अपने रिकमेंड सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।